सोचिए यदि आप किसी घने जंगल से गुजर रहे हों और अचानक कोई वन्य प्राणी आपके सामने आ जाए तो क्या हालत होगी आपकी, और उसमें भी तेंदुए जैसे वन्य प्राणी सामने हो तो स्वाभाविक ही है कि आपको सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो ही जाएगा। ऐसा ही एक वाक्या नीमच जिले की जीरन तहसील अंतर्गत वन क्षेत्र से आज सामने आया है। दरअसल जीरन के हरवार गांव से जलेश्वर महादेव मंदिर जाने वाले रास्ते में जलेश्वर मंदिर के पास स्थित हैंडपंप के करीब आज कुछ ग्रामीणों को दो तेंदुए दिखाई दिए। पहले तो दोनों ग्रामीण भयभीत हो गए, लेकिन फिर उन्होंने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर तेंदुए को अपनी मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। साथ ही इस घटना की जानकारी उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों को भी दी ताकि वह रास्ते से गुजरने के दौरान सतर्क रहे। हालांकि जिस तरह का इन वन्य प्राणियों ने राहगीरों से व्यवहार किया उससे स्वाभाविक है कि वे प्राणी खूंखार नहीं थे, फिर भी इस रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वहीं इस मामले पर क्षेत्रीय वन रक्षक नरेंद्र जाट ने फोन से चर्चा में बताया कि उक्त क्षेत्र में तेंदुए आते रहते हैं, साथ ही पास ही लगे प्रतापगढ़ जिले के वन क्षेत्र में भी यह विचरण करते रहते हैं। क्षेत्र में इनकी मूवमेंट बनी रहती है। इन तेंदुओं के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। वन्य प्राणियों के बारे में रुचि रखने वाले जानकारों का मानना है कि आम तौर पर दिन के समय बहुत कम दिखाई देते हैं, रात्रि में ही इनकी मूवमेंट ज्यादा होती है। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों तेंदुए उम्र दराज हैं, जिसमें एक नर और एक मादा हो सकते हैं। दो तेंदुए बहुत कम एक साथ दिखाई देते हैं, संभवतः ये मीटिंग के लिए एक साथ विचरण कर रहे होंगे। गौरतलब है कि उक्त क्षेत्र में तेंदुए काफी दिखाई देते हैं, पूर्व में भी मवेशियों के शिकार की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, मगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस इलाके के लोग भी वन्य प्राणियों के प्रति काफी प्रेम और आदर रखते हैं। गौरतलब है कि पूर्व में राष्ट्रीय पक्षी की रक्षा करते हुए एक पुलिसकर्मी ने अपनी शहादत क्षेत्र में दी है। वन्य प्राणियों और वन क्षेत्र की रक्षा करने में स्थानीय ग्रामीण भी काफी सहयोगात्मक रवैया अपनाते हैं। क्षेत्र के वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी भी वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए दिन रात सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। बहरहाल इस वीडियो में खास बात यह है कि इसमें एक साथ नर और मादा तेंदुए का दिन के समय घूमने का अद्भुत नजारा जरूर कैद हो गया है। बहरहाल इस वीडियो में खास बात यह है कि इसमें एक नर और एक मादा तेंदुए का दिन के समय घूमने का अद्भुत नजारा जरूर कैद हो गया है, और इस नजारे को गांव पिपलिया जागीर के रहने वाले आशाराम मीणा और देवीलाल मीणा ने अपनी आंखों से देखा, जो उन्हें लंबे समय तक याद रहेगा। धीरज बैरागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट भैरू.com जीरन।